हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक हॉल शेयर करने वाली हूँ जो कि है ज्वेलरी का। तो ये मैंने मीशो से ज्वेलरी मैंने ऑर्डर किया है और ये हॉल करने के लिए मैं बहुत ही दिनों से एक्साइटेड थी। सो फाइनली मतलब एक्साइटेड इसलिए थी, आप सोचोगे कि एक्साइटेड क्यों थी, क्योंकि ये मैंने एक ही बार प्लेस किया था ऑर्डर, बट आया मतलब लाइन बाय लाइन ऑर्डर आया मेरा, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया ये ऑर्डर आने में मुझे। और आज मुझे लास्ट जो मेरा नेकलेस था वो मुझे रिसीव हुआ, तो मैं सोची चलो मैं आज ही रात में मैं आप लोगों के साथ इसका हॉल वीडियो भी शेयर कर दूंगी एंड मेकअप लुक भी शेयर कर दूंगी। तो जस्ट मैंने इसी आउटफिट पे मैंने मेकअप लुक भी शेयर किया है, तो आई नो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है वो वीडियो। एंड मुझे ये नहीं मालूम कि ये वीडियो पहले जाएगा कि वो वीडियो पहले जाएगा, जो जो सबसे पहले एडिटिंग हो जाएगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास चला जाएगा। सो ये जो नेकलेस मैंने ऑर्डर किया है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नेकलेस मैंने ऑर्डर किया है गाइस, बहुत ही सुंदर, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो चलिए ज़्यादा बातें ना करते उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप लुक। ये तो मैंने सारा आउट मैंने मतलब ज्वेलरी वगैरह सारा मैंने खोल दिया है, बट फिर भी मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और आप सोच रहे हो इतना सारा मेकअप किया है, तो मैं आप लोगों को इससे पहले बता दी कि मैंने इतना सारा मेकअप एक वीडियो के लिए नहीं किया है, मैंने इस पर एक मेकअप लुक बनाया हुआ है। इसी कारण जस्ट मैं बैक टू बैक एक और वीडियो मैं सोची कि सेल्फ शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे कि अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं रात में ज़्यादा करके वीडियो शूट करती हूँ, इसलिए मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है दिन में। तो मैं सोची चलो मैं अभी मेकअप लुक क्यों उसके बाद मैं जस्ट हॉल भी कर लेती हूँ ज्वेलरी का। तो कैसा रहा मेरा आइडिया? सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट ज्वेलरी है सो ये रहा, तो इसी ज्वेलरी पे मैंने अभी मेकअप लुक किया है इसी ज्वेलरी को पहन के। तो मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगी गाइस, आप लोग देख लेना। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कुंदन का वर्क किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मतलब ये ना आप किसी की शादी में, चाहे अपने घरों की शादी में भी आप इसे ले सकते हो। मतलब इसका जो क्वालिटी है ना, मतलब 100% मतलब एक नंबर क्वालिटी है इसकी। तो आप पहले ये देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस, ये जब आपके मतलब गले में जाएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। मतलब आप इमेजिन कर रहे हो, जस्ट मैंने जब इस नेकलेस को देखा था ना, तो मैंने बस यही इमेजिन किया कि ये मेरे गले में जाएगा तो कैसा लगेगा। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा, मतलब इसका जो कलर है ना माइंड ब्लोइंग, ये जस्ट साड़ी का कलर का है, गाजरी कलर जो होता है ना वो है। और इतना ज़्यादा खूबसूरत इसका वर्क किया हुआ है ना, एंड कुंदन का वर्क किया हुआ है, जैसा कि देख रहे हो। मैं आपको जूम कर पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसका वर्क किया हुआ है, आप चाहो तो इसे ले सकते हो, चाहो तो नहीं गाइस, ये 100% आप ले सकते हो। मतलब एक नंबर क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। एंड आप बिना कोई डाउट का इसे आप परचेज करके देखो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको भी लगेगा। सो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके साथ मुझे इयर रिंग एंड मांगटी का दोनों रिसीव हुआ है। तो इसका जो इयर रिंग है सो ऐसा है, इयर रिंग भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बट मैंने इयर रिंग वेयर नहीं किया है इस मेकअप लुक में, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिंपल ही सोच रही थी, क्योंकि सब कुछ कर लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा उतना। एंड ये मांगटीका है, जिसका मांगटीका भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे ये नेकलेस। सो आई नो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो पहला मेरा जो नेकलेस है सो ये रहा, मेरा दूसरा नेकलेस है सो ये रहा। तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जो भी मैंने अभी तक ऑर्डर किया है नेकलेस वो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगा कि मुझे ये रिटर्न करनी चाहिए चाहे एक्सचेंज करनी चाहिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सॉरी आप लोगों को बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज़, बैकग्राउंड से नहीं बोलूँगी, थोड़ी सी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि इधर मेरा जो घर है वो रोड पर है, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रक वर्क चलता है, वो भी रात में बहुत ही ज़्यादा मतलब शांत रहता है माहौल, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता दी। सो जो दूसरा जो नेकलेस है सो ये रहा, ये देखिए, ये भी जब आपके गले में जाएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा, आप इमेजिन कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अगर आप कुछ हल्का में लेना चाहते हो तो इसे आप वेयर कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड इसकी जो डिज़ाइन है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी। एंड इसमें ना आपको नग मिल जा रहा है, एंड पिंक कलर का नग मिल रहा है, पिंक बोलूँगी कि पर्पल बोलूँगी, तो कुछ इस तरीके का नग है और बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी का है। तो आप ये देखो, बहुत ही सुंदर लगा। और इसमें आपको इयर रिंग मिल जा रहा है इस टाइप का,
तो हल्का सा इयररिंग मिल जा रहा है, मतलब ये बहुत ही लाइट वेट है गाइस, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ गला में वेयर भी किया है, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा। एंड आई नो कि आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा, तो मैं ये सारा कोड जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग भी बाय कर सकते हो। सो दूसरा जो नेकलेस है सो मेरा ये रहा। सो गाइस जो मेरा तीसरा नेकलेस है सो ये रहा, इसे मुझे डिब्बा में नहीं मिला है, मुझे ये पैकेट में ही मिला है, बट ये भी ऑसम है, ऑसम। तो आप इसको देख लो गाइस, ये कितना ज्यादा खूबसूरत कलर है, एंड इसका ना एक रेड भी है, बट मैंने इसे येलो ही मंगाया है। ये देखो लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। सो इसका भी जो वर्क है ना वो कुंदन का किया हुआ है एंड मोती का है, इसका जो कुंदन का वर्क किया हुआ वो भी आप देखो, बहुत ही सुंदर कुंदन का वर्क किया हुआ है। एंड मतलब इसे देख के ना ऐसा नहीं लग रहा ना कि आप कुछ लो क्वालिटी है चाहे कुछ भी, मतलब एक लग रहा है कि एक नंबर क्वालिटी जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मतलब बिलीव नहीं करोगे गाइस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपको रेड भी चाहिए तो इसका रेड कलर भी है, बट मैंने इसे येलो ही मंगवाया है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ऐसा नहीं लगेगा आपने बहुत ही ज़्यादा हैवी मतलब कुछ वेयर किया है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। एंड आई नो कि आप लोगों को भी बहुत ही सुंदर लग रहा होगा। तो इसमें मुझे झुमका मिल जा रहा है कुछ हैवी सा, तो ये देखिए ये इसका मांग टीका है एंड ये इसका झुमका है, तो इसका झुमका भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैवी सा है, और इसे भी पहनने के बाद कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ हैवी सा मतलब कुछ वेयर किया, बट हैवी सा दिख रहा है बट हैवी लगेगा नहीं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और सबसे पहला चीज़ कि मतलब मुझे मतलब लग नहीं रहा था कि हाँ सच में इतना रियल अच्छा आएगा, बट मुझे बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है, इसलिए मैं मतलब हैप्पी हैप्पी से आप लोगों के साथ वीडियोज़ का शेयर कर रही, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। दिन मेरा जो फोर्थ नेकलेस है वो एक मोती का है, तो आप लोगों ने ये मेरा वीडियो में देख चुका होगा ऑलरेडी, अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग मेरे सरस्वती पूजा मेकअप लुक आप लोग देख लेना, मैंने उसमें वेयर किया हुआ है, अगर हो सके तो मैं यहाँ साइड में पिक भी लगा दूंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का है, और ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये देखिए है ना खूबसूरत, और ये पूरा मोती का वर्क किया हुआ है, ये नहीं बोलूंगी कि ये मतलब एक होता है चिपकाया हुआ है, पूरा स्टिच किया हुआ है, तो आपको कोई डर नहीं है कि इसमें इसका मोती निकल सकता है चाहे कुछ भी, तो ये पूरा स्टिच किया हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसका वर्क लग रहा है। ये देखिए दिखने में लगेगा जैसे कि मतलब सिंपल सा है, बट ये जब आप वेयर करोगे ना माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड यहाँ पे रिबन दे दे रहा है, आप इसे रिबन से आप यहाँ पीछे बांध सकते हो, एंड इसका जो इयररिंग है सो कुछ इस तरीके का है, इसमें भी चिपकाया हुआ नहीं है, स्ट्रिच किया हुआ है, तो इसका इयररिंग भी अच्छा है और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का, एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत नेकलेस, मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि क्या पता अच्छा नहीं आया तो फिर मुझे रिटर्न करना पड़े, एक्सचेंज करना पड़े, उसके कारण फिर मेरा वीडियो जो है मतलब लेट जाएगा इसलिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे जो भी रिसीव हुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिसीव हुआ, एंड आई नो कि आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। सो बस मेरा इतना ही रहा ज्वेलरी हॉल, मीशो ज्वेलरी हॉल, तो मैंने बस चार ही नेकलेस जो है मैंने ऑर्डर किया था, मुझे एक तो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी और एक दो नेकलेस का मुझे ज़रूरत था इसलिए। सो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा मीशो हॉल, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसका कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग भी ले सकते हो। सो चलिए गाइस इस वीडियो को मैं यही पिन करती हूँ, और आप लोग से नेक्स्ट हॉल में, और आई डोंट नो किस चीज़ का हॉल रहेगा ये मैं नहीं जानती, और हाँ अगर आप लोगों ने मेरा ये जो मेकअप लुक मैंने किया हुआ है वो नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ वो भी मेरा मेकअप लुक देख लेना, अगर इसके बाद मैं डालूंगी इस हॉल के बाद में वो वीडियो डालती है तो उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। और कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा हॉल प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर मुझे। सो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, प्यार सा वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, एंड अच्छा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरी जो वीडियो है थोड़ी सी वायरल हो सके, और मतलब अच्छे खासे व्यूज़ आ सके मेरे वीडियो पे, एंड अच्छे खासे व्यूज़ आ सके मेरे वीडियो पे, और आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही हम सब आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज़ गाइज मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की, और अगर आप लोग सपोर्ट करते हो अच्छे अच्छे व्यूज़ देते हो तो मैं इससे भी अच्छे अच्छे हॉल आपके लिए लेके आऊँगी। चलिए गाइज इस वीडियो को मैं यही पिन करती हूँ, ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, तो मिलती हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारा सा वीडियो में, तो बाय।